In this video, I am going to share with you all the lifetime box office collection of Bollywood film Nastik. Nastik जो रिलीज हुई थी 18 फरवरी 1983 को और ये एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर है प्रमोद चक्रवर्ती, इसके प्रोड्यूसर है विनोद दोषी और इसके राइटर है सचिन भौमिक। बात कर लेते हैं कास्ट की। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, प्राण, देवेन वर्मा, अमजद खान और रीता बहादुरी लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। अब फिल्म में जो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी का रोल था, आपको बता दें कि ये इस फिल्म में उस टाइम के जमाने में आखिरी बार साथ में नजर आए थे। इसके बाद इस फिल्म रिलीज होने के बाद ये दोनों साथ में नजर आए थे पूरे 20 साल बाद बॉलीवुड फिल्म बागबान में। अब बात कर लेते हैं कलेक्शन की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 3 करोड़ 80 लाख रुपए का, 3 करोड़ 80 लाख रुपए का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 7 करोड़ 60 लाख रुपए का, 7 करोड़ 60 लाख रुपए का। इसका बजट था लगभग 3 करोड़ के आसपास का। अब 3 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था 3 करोड़ 80 लाख रुपए का। उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म नास्तिक बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी। यानी फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक थी वो थी अबव एवरेज की। फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे, सभी गानों को कंपोज किया था कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी ने। बात कर लेते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी की बात, तो फिल्म में जो अमिताभ बच्चन है उनके रोल का नाम होता है सिकंदर और अमजद खान फिल्म के अंदर एक विलन का रोल निभाते हैं। अब अमिताभ बच्चन अपनी डेथ, अपने पिता की डेथ के बाद, मतलब अमिताभ बच्चन के पिता की डेथ के बाद अमिताभ बच्चन अपनी बहन और माँ से अलग रहने लग जाते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने पिता की डेथ के बाद एक नास्तिक बन जाते हैं। जैसे कि फिल्म का नाम है नास्तिक, तो अमिताभ बच्चन अपने पिता की डेथ के बाद नास्तिक बन जाते हैं। लेकिन जो अमिताभ बच्चन के पिता होते हैं उनकी मौत की वजह होती है अमजद खान। अब जो है अमिताभ बच्चन का पूरी फिल्म के अंदर एक ही मकसद होता है, अमजद खान से अपने पिता की मौत का बदला लेना। अब वो बदला कैसे लेते हैं ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिना, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।